हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दी बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। सो बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर थ्री पिलर्स, तीन मेन पिलर्स के लिए ये स्टैंड करता है। कौन से हैं वो तीन पिलर्स? एक है बुद्धा, दूसरा है धामा, तीसरा है संघ। तो बस हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी है एंड देन हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट। बट बिलीव मी, काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये, एंड आज हम सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ेंगे जो कि है बुद्धा। ठीक है। सो बुद्धा क्या होते हैं? बुद्धा इट्स फाउंडर, यानी बुद्धिज्म यानी जो बौद्ध धर्म है उसके फाउंडर कौन है? बुद्धा। तो हम बुद्धा के बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। सेकंड है धामा। धामा का मतलब है हिज टीचिंग्स, जो बुद्धा थे, ठीक है, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, उनके टीचिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे धामा में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। एंड देन संघा। संघा होता है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क्स एंड नन्स होते हैं जो भिक्षुस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या ऑर्डर है मोनेस्ट्रीज में, मोनेस्ट्री के बारे में क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब कुछ संघ में आता है। ठीक है, तो ये तीन पिलर्स हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए, बुद्धा धामा संघा। तो तीन वीडियोस तो इसमें बनेंगी बनेंगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस बना के रखें, अपने नोट्स मेंटेन करें, पेपर पेन उठाएं, नोट्स जरूर बनाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ना वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ऐसा सच आपको कोई इशू नहीं होगा समझने में, या पॉइंट्स कहीं और से ढूंढने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धा के बारे में हमें पढ़ना है। सो बुद्धा जो है ये एक इंसान है, मतलब एक इंसान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, इनको कहते हैं ना, वो एनलाइटमेंट अचीव होती है ना, दिव्य आत्मा या दिव्य बन जाते, दिव्य दर्शन होते हैं, जो ज्ञान है उसकी नॉलेज, मतलब ज्ञान नॉलेज ये सब मिलता है, होता है ना एक मतलब एक्चुअल वर्ड तो एनलाइटमेंट है कि एनलाइटमेंट अचीव होती है, बट हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो एक एग्जैक्ट वर्ड आप देख सकते हैं, है ना, प्रकाश मिलना, नॉलेज अटेन होना, वो सब। तो बुद्धा जो है एक इंसान थे, तो पहले हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे उन्होंने सब कुछ अचीव किया वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन्हें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया क्यों? क्योंकि एशिया जो है हमारा कॉन्टिनेंट है, तो उसे लाइट ऑफ एशिया कह दिया बुद्धा जी को। सो बुद्धा मीन्स एनलाइटेड वन, प्रकाशित इंसान। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सक्या मुनि और तथागटा। सक्या मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तथागटा के नाम से भी जाना जाता है। अर्लियर नेम सिद्धार्थ, जो इनका पुराना नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, बॉर्न इन 563 BC। अब देखिए फिर से BC AD का कंसेप्ट आ गया। मुझे एक भी मैसेज नहीं आया अभी तक कि हाँ मैम हमें नहीं पता BC क्या होता है, AD क्या होता है। अगर मुझे ऐसा कोई मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं मानती हूँ कि आपको है समझ BC AD की, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो ही वॉज बॉर्न इन 563 BC ऑन दी वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। समझाने वाली कोई बात नहीं है, नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इनका जन्म हुआ था, 563 BC में। ठीक है, साइट ऑफ बर्थ। अब जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ पे अशोका ने क्या किया है, रुमिंदी पिलर बनवाया है, राइट। जो इनके फादर थे वो थे सुदोधन, ठीक है, एक शक राजा थे, शक रूलर थे। उनकी मदर की बात करें तो महामाया ऑफ कौशाला डायनेस्टी, कौशाला डायनेस्टी की थी उनकी मदर। ठीक है, डाइड आफ्टर 7 डेज ऑफ हिज बर्थ। जैसे ही बुद्धा का जन्म हुआ उनके 7 दिन के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई थी। देन स्टेप मदर गौतमी, फिर गौतमी आई इनकी स्टेप मदर, उन्होंने इन्हें पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, देन ही मैरिड टू यशोधरा, यशोधरा से इनकी शादी हुई, इंजॉयड मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स तो जैसे नॉर्मल आदमी होता है ना कि हाँ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताना, वो सब सही रहा, वैसे ही इन्होंने रहा। हैड अ सन नेम्ड राहुल, राहुल नाम का इनका एक बेटा भी था। बट बाद में क्या होता है कि जो इनका मतलब होता है ना कि अपने जीवन से विश्वास उठना, कुछ और ढूंढने की वो करना, एक तड़प होना है ना, तो वो चीज़ स्टार्ट होती है। देन डिसाइडेड टू बिकम अ वॉन्डरर, वॉन्डरर होता है जो सिर्फ घूमता रहता है इधर उधर, है ना, तो वैसा बनने के लिए उन्होंने सोचा। आफ्टर सींग, क्या देखा उन्होंने, चार चीज़ें देखी। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे एज का तो सब है, अभी हम सुंदर है बाद में हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, है ना। फिर असिक मैन, बीमार आदमी देखा, देखा कि बीमारी तो आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, कॉप्स एक लाश देखी। एन एसेटिक, एसेटिक होता है जो ऋषि टाइप होता है, वो सब देखा। तो उसके बाद इनको लगा कि ये सब हम मतलब किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, तो हमें थोड़ा कहते हैं सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सब फिर इन्होंने किया। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ आया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताते रहें कि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो समझ भी आता है या नहीं आता है। ठीक है, एंड आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देन
लेफ्ट हिज पैलेस एट 29। तो जब 29 साल के थे जिन्होंने चार चीज़ें देखी, ओल्ड मैन, एसेटिक जो कि मैंने आपको बताया, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपना जो महल था वो छोड़ दिया। ठीक है, किसके साथ? विद चन्ना चैरिटियर, इनका चैरिटियर था चन्ना, मतलब चैरिटियर क्या होता है जो रथ चलाता है, उसके साथ एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंठक। ठीक है, इनका फेवरेट हॉर्स था कंठक और चन्ना। ये क्वेश्चन आता है कि किसके साथ उन्होंने अपना घर छोड़ा है ना, तो इन दोनों के साथ, इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है, उसकी खोज में। कॉल्ड महाभनीषी कर्मण और द ग्रेट रिनंसिएशन, इसे कहते हैं महाभनीषी कर्मण या ग्रेट रिनंसिएशन। रिनंसिएट करना क्या होता है? त्याग देना सब कुछ। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं सब कुछ त्याग दिया, अपनी फैमिली है ना, सब कुछ, अपने बच्चे, अपनी वाइफ। तो अब वो सच की तलाश में निकल पड़े थे। देन ही वॉन्डर्ड फॉर 6 ईयर्स, 6 साल तक वो इधर उधर भटकते रहे। ठीक है, सच का पता लगाते रहे, सच क्या है। हिज फर्स्ट टीचर, इनके जो पहले टीचर थे वो थे अलारा कलमा, एंड हिज नेक्स्ट टीचर, अगले टीचर थे उद्राका रामपुत्रा। सो 6 साल तक उन्होंने किया क्या? 6 साल वो इधर उधर भटकते रहे, उन्होंने किया क्या? ही टॉर्चर्ड हिमसेल्फ अंटिल ही वॉज नथिंग बट अ वॉकिंग स्केलेटन। उन्होंने खुद को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो चलते फिरते हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। ठीक है, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी, एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। राइट, फाइन। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, इट्स सो सिंपल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट आता है, हम बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ही अटेंड निर्वाण और एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35 एट गया। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एनलाइटमेंट कितनी एज में की, कौन सी जगह पे अचीव की, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम वहाँ पे खज्जल हो जाते हैं कि अरे अब तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बस आप नोट्स बनाते रहिए, मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, आपका काम है नोट्स बनाना और उसे पढ़ना। ठीक है, सो उन्होंने निर्वाणा का मतलब होता है एनलाइटमेंट, मतलब उनको दिव्य ज्योति हासिल हो गई है ना, 35 साल की उम्र में गया। गया कहाँ पे है? बिहार में। निरंजना रिवर, निरंजन नदी थी, कहाँ पे है? मगध में, बिहार में, अंडर अ पीपल ट्री। इन्हें एनलाइटमेंट, इन्हें दिव्य ज्योति जो है वो हासिल हो गई, मतलब इनको नॉलेज मिल गई है ना, मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ भी आप समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट, सर्मन होता है जो वो भाषण देते हैं या कहते हैं उसे एग्जैक्ट, उपदेश है ना, तो उन्होंने पहला जो उपदेश था या सर्मन था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था, और इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ही अटेंड महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण होता है डेथ। ठीक है, सो कुशीनगर में 483 BC में उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 30, जब वो 30 साल के थे, सॉरी 30 नहीं आएगा यहाँ पे, 80 आएगा, एट द एज ऑफ 80 इन मल्ला रिपब्लिक, मल्ला रिपब्लिक में हो गई थी डेथ। हमने देखिए आपको याद होगा महाजनपदास पढ़े थे, तो वहाँ पे मल्ला जो है ये भी एक महाजनपद था, तो आप मुझे इसकी कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, अब हमने देखिए हमने कहा कितना कुछ पढ़ा, महाभनीषी कर्मण पढ़ा, निर्वाण पढ़ा, महापरिनिर्वाण पढ़ा, तो अब ये सब आपको याद भी तो रखने हैं है ना, समझ गए ठीक है अच्छी बात है, बट वो सब याद भी तो रखना है, क्योंकि पेपर में तो ये चेक होगा कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। सो मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, जो बुद्ध थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध थे जो, उनके लाइफ के इवेंट्स को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखा है ताकि आप उसे इजीली समझ सकें, याद कर सकें। सो एक साइड पे इवेंट्स लिखे हैं, एक साइड पे सिंबल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बर्थ है, बर्थ मतलब जन्म, उनका बर्थ जो है लोटस या बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है रिनंसिएशन होता है घर को त्यागना, पहले उनका जन्म हुआ फिर उन्होंने घर को त्याग दिया, घर को त्यागना कहलाता है महाभनीषी कर्मण, याद रखना है महाभनीषी कर्मण या फिर द ग्रेट रिनंसिएशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स के सिंबल से। राइट, फिर आता है एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब निर्वाण, संबोधि, जब उनको दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई, उनको ना एनलाइटमेंट मिल गई है ना, तो वो हुआ बोधि ट्री, इससे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है फर्स्ट सर्मन, पहला उपदेश कहाँ पे दिया, इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। राइट, और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है, तो कहाँ पे दिया है, ठीक है, ये हमने आप ऊपर पढ़ लिया, सारनाथ में दिया है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हील से यानी पहिए से। फिर है इनकी डेथ, अब इनकी डेथ हुई कहाँ हुई,
हमने पढ़ा मल्ला रिपब्लिक कुशीनगर में हुई 80 साल की उम्र में, तो उसे कहा गया या नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, और उसे स्तूप जो होते हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप वीडियो देख भी रहे हैं, चीज़ें याद भी कर रहे हैं, पर नोट्स नहीं बना पा रहे, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नोट्स ज़रूर बनाएं, बहुत ऑफिशियल प्रूव होते हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी का ये सफर होता है ना, ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन रहना पड़ता है। प्लस इसी के साथ एक चीज़ और, अब देखिए मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए सो दैट हम आपको फॉलो कर सकें। तो देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अब अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे डायरेक्टली। फाइन, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है लास्ट सरमन, यानी कि लास्ट उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, वैशाली में दिया। किसे दिया? हिज लास्ट सरमन वॉज टू सुभद्रा, सुभद्रा को दिया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट सरमन कहाँ दिया, वैशाली में, चार ऑप्शन होंगे किसको दिया, सुभद्रा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बुद्धिस्ट, अब जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता है? बुद्ध पूर्णिमा होता है। कब पड़ती है बुद्ध पूर्णिमा? इट फॉल्स ऑन वैशाख पूर्णिमा डे, जो वैशाख पूर्णिमा होती है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा ये लोग मनाते हैं। ठीक है, जैसे सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, हिंदुओं का दिवाली है, दशहरा है, तो वैसे जो बुद्धिस्ट है उनका जो है बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, अटेन्ड एनलाइटमेंट, अटेन्ड महापरिनिर्वाण ऑन दिस डे। अब जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म जो है वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ, एनलाइटमेंट यानी दिव्य ज्योति इन्हें वैशाख पूर्णिमा वाले दिन मिली, महापरिनिर्वाण मतलब जो इनकी डेथ थी वो भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुई। तो आप सोच सकते हैं कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन होगा ये, है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम उनकी डेथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो हिज रिमेन्स वर डिवाइडेड इंटू 8 parts एंड 8 stupas वर बिल्ट ऑन देम। अब उनकी डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण हो गई। अब जब उनकी डेथ हुई तो उनके डेड बॉडी के साथ क्या किया गया? देखिए उनके जो रिमेन्स थे, जो उनके एशीज होते हैं ना, उनको 8 parts में डिवाइड किया गया और उनके ऊपर 8 stoop बनाए गए। स्तूप क्या होता है? देखिए अब जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम स्तूप्स के जो स्तूपा होते हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह से जैसे टॉम्ब होते थे, जैसे हमने मुगल एम्पायर पढ़ा है मिडिवल हिस्ट्री में, तो उसमें टॉम्ब्स बनाते थे अकबर का, जहांगीर का, सबका। तो वैसे ही जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उस टाइम पे जो महात्मा बुद्ध थे इनके स्तूपास बनाए गए थे। ठीक है, तो वही होता है कि बिल्डिंग सी होती है, बीच में सेंटर में एशेज रखे होते हैं, आसपास बिल्डिंग होती है, फिर हम आर्ट एंड कल्चर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। सो स्तूपास अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है होते क्या है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट मेन फंक्शन टू प्रिजर्व रेलिक्स, ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? जो रेलिक्स हैं, जो शेष हैं, जो ऐशीज हैं, जो अवशेष हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना। टू ऑफर द बिलीवर्स अ प्लेस टू मेडिटेट एंड प्रे, अब जो बिलीव करते हैं बुद्धिज्म में उनके लिए एक ऐसा प्लेस बनाना जहाँ पे वो मेडिटेट कर सके, ध्यान लगा सके, प्रे कर सके। ठीक है, सो फेमस कौन सा है? सांची स्तूपा है, MP में है, मध्य प्रदेश में। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, बिलीव मी नितिन सिंघानी की बुक्स में आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में पढ़ाऊंगी, तो उस टाइम पे हम सांची स्तूपा इसको बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो है मेन बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। ठीक है, सो ये हमने सिर्फ बुद्धा के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जाना कि जो बुद्धिज्म के 3 pillars थे, पहला हमने जाना द बुद्धा, द धामा, द संघा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम धामा के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा है, जो भी मैंने आपको समझाया है अच्छे से समझ आया है। फिर भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड देखिए मैं राइट नाउ 3 series पढ़ा रही हूँ, एंशियंट इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो अभी एंशियंट को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, तो कुछ टाइम तक अब मैं देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म को कवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही बुद्धिज्म जैनिज्म हमारा कवर हो जाएगा फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कर जाएंगे, ताकि हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा रेस्ट कर लें हिस्ट्री से, और थोड़ा नया सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स या वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसकी थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे। एंड आई होप जो मैं आपको समझाती हूँ आपको समझ आता है। आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, राइट। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिनको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ही सब कुछ पढ़ना है, तो उनको आप मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें, उनके साथ चैनल का लिंक शेयर करें, सो दैट मेरे हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा उनको भी थोड़ा बहुत पहुंचे, तो मतलब बहुत अच्छी बात होगी, है ना। एक आइडिया सा भी इंसान को लग जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उसकी।
सो फाइन, आज के लिए इतना ही था। बट बुद्धिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? बिलीव मी, बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 वीडियोज अभी इसकी और आएंगी। तो ये जस्ट हमने बुद्धा के बारे में पढ़ के कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।